शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम, ये हिकमत की भरी हुई किताब की आयतें हैं, नेकुकारों के लिए हिदायत और रहमत, वो जो नमाज की पाबंदी करते और जकात देते हैं, और वही हैं जो आखिरत का यकीन रखते हैं, यही अपने परवरदिगार की तरफ से हिदायत पर हैं और यही कामयाब हैं। और लोगों में बाज ऐसा है जो बेहुदा हिकायतें खरीदता है ताकि लोगों को बेसमझे अल्लाह के रास्ते से गुमराह करे और उससे हंसी करे, यही लोग हैं जिनको जलील करने वाला अजाब होगा। और जब उसको हमारी आयतें सुनाई जाती हैं तो अकड़ कर मुंह फेर लेता है, गोया उनको सुना ही नहीं, जैसे उसके कानों में सिकल है। तो उसको दर्द देने वाले अजाब की खुशखबरी सुना दो, जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनके लिए नेमत के बाग हैं, हमेशा उनमें रहेंगे। अल्लाह का वादा सच्चा है और वो गालिब है, हिकमत वाला है। उसी ने आसमानों को सुतूनों के बगैर पैदा किया जैसा कि तुम देखते हो, और जमीन में पहाड़ बनाकर रख दिए ताकि वो तुमको लेकर डोलने न लगे, और उसमें हर तरह के जानवर फैला दिए। और हम ही ने आसमान से पानी नाजिल किया, फिर उसमें हर किस्म की नफीस चीजें उगाई। ये तो अल्लाह की तख्लीक है, अब मुझे दिखाओ कि अल्लाह के सिवा जो हस्तियां हैं उन्होंने क्या पैदा किया है। हकीकत यह है कि ये जालिम खुली गुमराही में है। और हमने लुकमान को दानाई बख्शी कि अल्लाह का शुक्र करो, और जो शख्स शुक्र करता है तो अपने ही फायदे के लिए शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करता है तो अल्लाह भी बेनियाज है, लायक हम्द सना है।